सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। हे गाइस, स्वागत है आपके इंट्राडे गाइड पे और मैं हूँ आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 16 अप्रैल में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करके चलना है और कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे। तो एक बात मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, एक वार्निंग के तौर में बताना चाहता हूँ कि यूएस ने 100 मिसाइल्स लॉन्च कर दी हैं और फायर कर दी हैं सीरिया के ऊपर, और केमिकल मिसाइल्स उन्होंने लॉन्च करी है वो भी 100, और शिप से और एयरक्राफ्ट से। तो ये शायद हमारी कल मंडे के मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है और शायद ये बुल्स को कैप्चर करके बियर को छोड़ सकती है। तो इसमें हमें मार्केट को वॉच करके रखना पड़ेगा। अगर मैं जो आपको स्टॉक्स बाय की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ वो शायद अगर कल मार्केट गिरती है तो वो भी आउट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो मार्केट को वॉच करके चलिए। मार्केट अगर स्टेबल जोन में रहती है, जैसे चार्ट्स में दिख रही है वैसी मार्केट रहती है, तो आपको अपने ट्रेड लेने होंगे जो भी आपको मैं ट्रेड बता रहा हूँ अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉस के दौर में। पर अगर मार्केट नेगेटिव जोन में चली जाती है या नीचे जाने की कोशिश करती है तो वो आपको ट्रेड नहीं लेने होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद कल मार्केट बहुत वॉलेटाइल रह सकता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट हो सकता है मंडे को, तो उसको वॉच करके चलना पड़ सकता है। और शायद और भी कोई मंडे से आने मार्केट ओपन होने से पहले कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है तो उसको भी वॉच करके रखना पड़ेगा। एक नेगेटिव न्यूज़ और आई है कि जो हमारा एक्सपोर्ट था वो एक्सपोर्ट डिफिशिएंट आया है। अब हमारे जो एक्सपोर्ट जो पिछले महीने का था और इस महीने का था वो कम आया है, और हमारा जो हम कह सकते हैं फिस्कल डिफिसिट वो भी बढ़ चुका है। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारी मार्केट के लिए, और हमें देखना है कि क्या मार्केट इसमें रिएक्ट करती है या नहीं करती है। चार्ट्स को देखकर लग रहा है, तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में चार्ट्स भी दिखाया था। अगर आपने वो चार्ट नहीं देखे तो उस वीडियो को आप जाके एक बार मेरे चार्ट्स देख सकते हैं। मैंने आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था उस रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस करके आज क्लोजिंग दे दी है। 2 दिन से मैं आपको कह रहा था कि इस 2 दिन अगर इसने क्लोजिंग दे दी तो हम 10,600 तक के लेवल भी देखने को आने वाले टाइम में मिल सकता है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर वो कल इस सपोर्ट को तोड़ देता है, यानी 10,420 को तोड़ देता है और नीचे जाके क्लोजिंग देता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ बहुत वॉलेटाइल सेशन रह सकता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि वापस एक बियर्स ने अपना कैप्चर कर लिया है मार्केट को और नीचे के लेवल बनते हुए हम देख सकते हैं, तब शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी। अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है और उन्होंने 100 मिसाइल फायर कर दी है। अब देखना है कि आगे से यूएस को क्या रिस्पांस मिलता है और जो इंडियन इक्विटी मार्केट है उन्हें क्या रिस्पांस मिलता है, तो सब आपको देखना होगा। तो मैं आपको अपनी कल एक वीडियो जो लेकर आने वाला हूँ खबरों के बेसिस में, जो स्टॉक्स मैं आपको हमेशा मंडे के मार्केट के लिए सिलेक्ट करके देता हूँ, उसमें मैं आपको और डिटेल्स बताऊंगा कि क्या मंडे को मार्केट का रिएक्शन रह सकता है क्या नहीं रह सकता। स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं जो चार्ट्स में अच्छे दिख रहे हैं। एस्कॉर्ट्स, जस्ट डायल, इंडिया बुल वेंचर, नेल्को, LIC हाउसिंग फाइनेंस। एक्सकॉर्ट्स बाय करने की सलाह दी जाएगी हम आपको 954, 965 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 937 का लगा के चलना है। जस्ट डायल सेल करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें 444, 439.60 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 452 का लगा के चलना होगा। इंडिया बुल वेंचर्स बाय करने की सलाह दी जाएगी 321, 329 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 312 का लगा के चलना है। नेल्को में भी आपको बाय करने की सलाह दी जाएगी 198.204 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 191 का लगा के चलना होगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न लग रहा है, बाय करने की सलाह दी जाएगी 559, 564 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 552 का लगा के चलना होगा। और जो मैंने आपके लिए पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको स्टॉक्स बताए थे गोदरेज इंडस्ट्री, कजारिया सेरेमिक्स, वोल्टास, जस्ट डायल और जुबिलेंट फूड, जुबिलेंट फूड को मैंने आपको सेल करने की सलाह दी थी पर उसका हमें उल्टा रिस्पॉन्स देखने को मिला। पर मैंने जो आपको चार स्टॉक्स बाय की रिकमेंडेशन भी दी थी उसमें आपको सबके टारगेट्स अचीव हो गए थे, जो मैंने आपको दोनों टारगेट्स दिए थे और आपको अच्छा खासा रिटर्न हो गया होगा और मैंने भी उसमें ट्रेड करा था तो मुझे भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। तो इस वीडियो को भी आपको मैं ट्रेड करने की सलाह दूंगा, पर मैं आपको तभी बोलूंगा, आपको पहले मार्केट को रिएक्ट करना होगा, मार्केट किस तरफ रिएक्शन देती है उस तरफ ही आपको डिसीजन लेना होगा कि मैं स्टॉक्स को बाय करूँ या सेल करूँ। इसलिए आप पहले मार्केट को वॉच करिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए इस स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें चार्ट्स पैटर्न में, तो देखकर लग रहा है कि 10,560 का लेवल वो यानी कल यानी परसों तक छू सकती है
और टारगेट आपको 10,420 का लगना है, जो मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बताया था जिसके ऊपर 2 दिन से क्लोजिंग दे रहा है। तो वॉच करके चलिए निफ्टी को, बैंक निफ्टी पे भी बाय करने की सलाह दी जाएगी। स्टॉप लॉस टारगेट आपको नहीं बदल के दिया है मैंने, 25,400 का टारगेट ये है, 25,050 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें रखना है। कल अगर मार्केट मंडे को गिरना शुरू होती है तो हम कह सकते हैं कि अपना एक सपोर्ट जो इसका था वहां तक बढ़ना शुरू कर देगी वो, और हमें 9,700 के लेवल भी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। और अगर उसने इस न्यूज़ को पचा लेती है, वरना इस न्यूज़ को वो एब्जॉर्ब कर लेती है और मार्केट अच्छे तरीके से ऊपर बढ़ना शुरू कर देती है, तो हम कह सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है, और जो 10,420 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है हमारी निफ्टी के लिए, तो फिर हम कह सकते हैं कि और ऊपर के लेवल हमें बनते हुए देख सकते हैं। तो अगर आपको ये न्यूज़ मेरी समझ में आई होगी और आपको न्यूज़ फ्लो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मैं आपके लिए और जो अभी न्यूज़ आने वाली है इससे रिलेटेड वो सब मैं आपको अपने चैनल में बताते रहूँ, और कौन से स्टॉक्स इस न्यूज़ बेसिस में रिएक्ट कर सकते हैं वो भी सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, अपने इस चैनल में बताऊँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे जिससे आप मेरी लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोज़ हर दिन पा पाएंगे, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं शिवांश भसीन आपसे मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।